आपका हमारे चैनल में स्वागत है एक्सप्लोर विद अभिषा में। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने अलग अलग फूड अपने ओटिस को दिया था, अलग अलग फूड जैसे कि हमने गाजर, मूली और थोड़ा पेडिग्री, अंडा, ये सब फूड हमने उस टाइम में दिया था। तो उस टाइम में ओटिस क्या हुआ, क्या हुआ, भूख लगा है, मिलेगा भी खाना, वेट करो 2 मिनट। तो उससे पहले उसमें हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी पपी या किसी भी डॉग को आप अगर खाना देते हैं और खाना देने के टाइम में उसके बाउल में अगर आप अपना हाथ डालते हो या आप अपने पपी को टच करते हो तो वो गुर्राता है या अटैक करता है, तो वो वैसा नहीं करेगा। उस आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, तो वो चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए उस वीडियो में ऐसा रहेगा कि अगर आप अपने पपी को फूड दे रहे हैं तो आपको जब आप उसे घर लेके आए हो, छोटा पपी से ही आपको वो चीज स्टार्ट करना पड़ेगा। बड़े होने पे थोड़ा डिफिकल्ट है आपको वो चीज करने के लिए कि आप अगर उसको खाने के टाइम में टच करें अपने डॉग को या उसके बाउल में हाथ डालें तो वो आपको अटैक ना करे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि स्टार्टिंग में जब आप अपने पपी को घर लाते हैं तो जब भी आप उसको खाना देते हैं तो खाना जब दे रहे होते हैं तो उस टाइम में आप उसके बाउल में हाथ डालिए छोटे से ही और उसको अपने हाथ से ही थोड़ा बहुत खिलाइए और उसको सहलाइए, उसको टच कीजिए, तो उसको आदत सी हो जाएगी कि हाँ ये खाना खाने के टाइम में मुझे ये छूटा भी है और वैसा कुछ रिएक्ट ये नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा। तो बचपन से ही उसको वैसा आदत हो जाएगा मतलब अटैक नहीं करने का, मतलब कोई भी खाना देगा, मतलब आप खाना देंगे तो वो अटैक नहीं करेगा। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, आपने कहीं पर रखा अपने डॉग को घर में रखा, आपने बस खाना उसके बाउल में डाल दिया और आपने उसको छोड़ दिया तो वो खाना खाएगा। इन फ्यूचर अगर कभी मान लीजिए आप उसको खाना दिए और आप सडनली कुछ ध्यान में आए कि हाँ मेरे हाथ में तो कुछ लगा हुआ और आप उसके बाउल में डालने जा रहे हो, तो आप जैसे ही डालने जाओगे वैसे ही वो आपको अटैक करेगा। तो वो चीज ना हो, वो आपको कैसे करना है वो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम ओटिस को फूड देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे उसको ट्रीट करना है स्टार्टिंग से। तो हमने अपने डॉग को स्टार्टिंग से ही वैसा ट्रीट किया है, तो खाना खाने के टाइम में आप उसको कितना भी परेशान कर लीजिए वो अटैक नहीं करता है। तो चलिए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अभी ओटिस को खाना देने जा रहा हूँ। ये खाना जो है मैं रॉयल कैनिन का लैब्राडोर जूनियर दे रहा हूँ। तो 6 महीने से ऊपर हो जाने के बाद आप इसको ड्राई दे सकते हैं, बट दिन में ज्यादा नहीं दीजिएगा। उसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है कि आप अपने पपी को कितना दे सकते हैं उस हिसाब से आप दीजिए। अगर आप उसको होम फूड भी देते हैं तो थोड़ा ही इसको दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। तो मैं इसको दिन में या सुबह में या फिर रात में किसी एक टाइम में सिर्फ पेडिग्री ही देता हूँ और बाकी टाइम में मैं उसको इसमें थोड़ा सा होम फूड मिक्स करके देता हूँ। तो अगर आपका पपी 6 महीने छोटा है तो इसको आप गर्म पानी में सोक कीजिए, मतलब इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपका पेडिग्री का जो ब्रिक्स है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद आप उसको दे दीजिए, सॉफ्ट हो जाएगा। उससे क्या होता है कि आप छोटा पपी तो ये सब फूड डाइजेस्ट करने में इजी होता है, आराम से उन लोगों का डाइजेस्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम ओटिस को देंगे खाना। अपने खाने के लिए आ गया ओटिस। चलो बेटा खाएगा, भूख लगी है। ओके सेट सेट, गुड बॉय। Stay, yeah. Stay, stay, stay on this. Good boy. Goody, goody. Eat. तो देखिए अभी ये अपना फूड खा रहा है। तो खाने के टाइम में अगर आप इसके बाउल को टच करेंगे तो ये अटैक करेगा, मतलब अगर आपने नहीं सिखा रखा है तो अटैक करेगा। तो आपको करना ये है कि स्टार्टिंग से ही जब वो खाना खाता हो तो आप उसके बाउल को ऐसे टच कीजिए या आप उसको ऐसे टच कीजिए या फिर उसको अपने हाथ से उसके बाउल में हाथ डाल के अपने हाथ से उसको खिलाइए, ठीक है। तो आप इसके बॉडी में कहीं भी टच कीजिए खाने के टाइम में, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, आपको नहीं काटेगा। आप देख सकते हैं, इजीली देखिए। गुड बेबी, खा लो, ये लो, या गुड ओटिस, ये देखिए। तो आप देखिए इस तरह से अगर आप अपने पपी को रखिएगा तो कभी खाने के टाइम में अटैक नहीं करेगा। और अपने हाथ से भी उसको एक दो पीस ऐसे ही डेली आप उसको खिलाइए, फिर उसको आदत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जब आप खाना दे तभी आपको ऐसा करना रहेगा, उसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा। जब इसको आदत लग जाएगी हाँ खाना खाने के टाइम में हमको कोई डिस्टर्ब ना करे या कुछ ना करे, वैसा अगर आदत इसका रहेगा तो यह अटैक करेगा। और अगर आप डेली उसको वैसा करते हैं और
इसकी आदत को चेंज करते हैं कि खाना देने के टाइम में ये घुर्राए नहीं या गुस्सा ना करे या उसको वैसा फील ना हो कि मेरा खाना ले लेगा, तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जब भी खाना खाए तो उसके बाउल में हाथ डालिए, उसको ऐसे टच कीजिए, कहीं भी टच कीजिए, कुछ नहीं घुर्राएगा। देखिए खासकर जब ये स्टार्टिंग में जब इसको मैं सिखा रहा था तो उस टाइम में क्या होता था कि मैं बस इसके हेड पे ऐसे टच करता था, यहाँ पे टच करने पे कुछ नहीं करता था ये, फिर सडनली मैं ऐसे करते करते इसके मैंने लेग को टच किया, इधर टच किया, तो ये घुर्राया। अभी देखिए अभी मैं इसके पूरे बॉडी को टच करूंगा, उसको हाथ से भी खिलाऊंगा, इधर टच करूंगा, कुछ भी नहीं करेगा। पहले क्या होता था मैं उसको हेड पे या उसका ईयर को कहीं भी टच करता था तो ये घुर्राता था, अब नहीं करता, अब आराम से खाएगा। तो ये वीडियो इसी के लिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पेट है या उसके उस पेट से रिलेटेड या कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो इतना ही था, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ हमारे साथ, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।